अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के तत्वाधान में आज अलवर शाखा की ओर से 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासंघ के जिला अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि जून माह में निकाली गई चेतना रैली के बाद 15 सूत्रीय मांग पत्र तैयार हुआ था। अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीखों पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आज अलवर में ज्ञापन सौंपा जिसमें मुख्य आगे राज्य के समस्त विभागों में बोर्डो निगम में संविदा वार्षिक निविदा ठेका या मासिक मानदेय से कार्यरत कार्मिकों की शोषण मुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या में नियमित भर्ती शुरू कर प्राथमिकता दी जाए और उन्हें नियमित किया जाए। इसके अलावा नियमितकरण होने तक राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 में आवश्यक संशोधन करते हुए समस्त संविदा प्लेसमेंट निविदा मानदेय भोगी कर्मियों को शामिल करते हुए नियमित पद के समान वेतन अवकाश वेतन वृद्धि बोनस समान अवकाश पीएफ ईएफआई का लाभ दिया जाए। राजकीय सेवा से पृथक किए गए विद्यार्थी मित्र प्रेरक नर्सेज आदि समस्त संविदा कर्मिकों को फिर राज्य सेवा में शामिल किया जाए। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग में नियमित कर्मचारियों की एवं उससे पूर्व से व्याप्त वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर की जाए। विसंगति को दूर करने के लिए गठित खेम राज कमेटी रिपोर्ट को शीघ्र लेते हुए लाभकारी सिफारिशों को लागू किया जाए। केंद्र दिल्ली के समान वेतन भत्तों में वृद्धि की जाए। मंत्रालय कर्मचारियों को सचिवालय सेवा के अनुसार पदनाम में वेतन मान दिए जाए। राज्य में लंबी संविदा सेवा अवधि के दृष्टिगत केंद्र के समान 50% पेंशन पर इलाज के लिए निर्धारित नियमित सेवा अवधि 28 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष की जाए। इसके अलावा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को एकत्रित एसजीआई का लाभ देते हुए पेंशन लाभ दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मूल वेतन का 20% ग्रामीण भत्ता शुरू किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोमीटर से अधिक के फील्ड ड्यूटी करने वाले या अनियमित कर्मचारियों को परिवहन भत्ता दिया जाए। एकीकृत के द्वारा राज्य स्तरीय जून से जो चेतना रैली निकाली गई थी उसके फलस्वरूप सभी जिलों में 15 सूत्रीय मांग पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। विभिन्न दिनांकों को दिया जा रहा है हर जिले में, तो आज अलवर में और दौसा में दिया जा रहा है। किन संगठन के द्वारा दिया जा रहा है? अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ को महासंघ। किस तरह की मांग है आप लोगों को? कर्मचारियों को मांग है जो संविदा निविदा है उनकी भी है, जो कर्मचारी नियमित है उनकी वेतन विसंगति वगैरह उनकी भी है। 15 सूत्रीय मांग पत्र स्थानांतरण नीति बनाई जा रही, और जो महिला कर्मचारी हैं उनको महावारी अवकाश पीरियड लीव वो दिया जा रहे, ऐसे 15 मांग सूत्री पत्र है सर। प्रतापगढ़ का